नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दिल्ली का सारांश। तो आज भाई अभी बज रहे सुबह के 6:15 और अभी अभी उठा हूँ क्योंकि आज फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल है और भाई साहब प्रैक्टिकल फाइल का थोड़ा काम बचा हुआ, इसलिए जल्दी उठा हूँ, फटाफट से काम करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ प्रैक्टिकल देने। प्रैक्टिकल हो गया भाई साहब, कैसा रहा तुम्हारा प्रैक्टिकल? भाई पैरों पैरों की तो बैंड बजी है ना अच्छी खासी। नीचे से गजब बेइज्जती है। मैं फोर्ट आया था। स्कूल से आ गया हूँ भाई साहब और बिल्कुल जान नहीं बची। आज तो भाई तोड़ दिया भाई अच्छे से। खाना दे दो। दे दे। आज गोभी आलू की सब्जी बनी है, परसों बंद गोभी आलू की सब्जी बनी थी, अब कल खुली गोभी आलू की सब्जी बनेगी। क्यों? इतना तो हमने भाई साहब इतना तो भाई कुछ नहीं खाया हमने, आलू और गोभी बहुत खाई है सर्दी। अरे पूरे टाइम नहीं बनाई, अब बनाना शुरू किया है मैंने। गोभी आलू में, गोभी आलू और क्या, पैरों में। मैं भी सोके उठ गया हूँ, सोके उठ गया भाई साहब, नींद बहुत अच्छी आई थी मेरे को, बहुत ज्यादा थक गया था। चलो उठते और काम करते। हाँ मम्मी भी उठ गई, आराम दोनों। मैं तो यार थक गया था इसलिए सो गया। चलो मैं भी तो सुबह जल्दी उठी। कितना बज रहा है? 4 बजे। 4:45 खेल के आ गए, कॉफ़ी पीने भी चले गए थे। है भैया कॉफ़ी पियो भाई, सब मज़ा आ गया। कोल्ड कॉफ़ी, ठंड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। चलो कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट। क्या बात है, अच्छी हुई। क्या बात, तीनों खाते देख मेरे भी थोड़ा सा मन ललचा गया। वैसे तो मैं डाइट पर हूँ लेकिन मैंने कहा आज अपना चीट डे बना लेता हूँ क्योंकि आज सैटरडे है। मैंने कहा चलो एक मलाई चाप हम भी मंगा लेते, तो मैंने बना ली, स्मॉल वाली मंगा ली मैंने, खाएंगे भाई साहब। थैंक यू सो मच पिताजी। आज मलाई चाप की पार्टी हो रही है भाई, माता जी के लिए मलाई चाप रोल। मलाई चाप रोल भाई साहब, देखो मलाई चाप वो अपना खा के बैठे हुए। मैं तो भैया अपना दाल चावल, मैं तो अपना दाल चावल फिनिश किए और इनके लिए मैंने एक ऑर्डर करवा दिया। तीनों की तारीफ हो रही थी ऑफ कैमरा, हम चाहते हैं ऑन कैमरा भी हो। पापा बताएं कुछ। पीनू आज बिल्कुल देखने में इसका अगर हेयर का अगर हेयर स्टाइल का लुक अगर देखा जाए क्लोजअप क्लोजअप तो बिल्कुल द ग्रेट एक्टर मिस्टर बच्चन स्टाइल लग रहे हैं मुझे इसके बाद। आज अगर आप देखिए बिल्कुल उसी तरह की कटिंग है। तो तुम्हें कोई याद आ रहा हो किस किस मूवी से रिलेटेड? पुरानी मूवी में उनके बाल देखो जैसे सिलसिला, उनके बाल बहुत पहले मम्मी पापा के भी तो वैसे ही थे बाल पहले। हाँ पहले मेरे भी बहुत बड़े बाल थे। पर नहीं पीनू के तो मैंने भी कल बोला था कि तेरे ना बिल्कुल ये चीज ऐसे बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसी। मेरा तो कोविड कोविड में कोविड की वजह से मेरा कोविड के शिकार जो उस समय गंजे हो पड़े और हम डेंगू के। क्लोजर मारो एक बार और साहब का बिल्कुल। वैसे एक बात है मम्मी, अच्छा कमेंट में आप सब भी बताइएगा पीनू के बारे में। कभी कभी मम्मी देखो कभी कभी पीनू की शक्ल पापा जैसी नहीं लगती? कभी कभी नहीं, हमेशा ही लगती है। बिल्कुल डुप्लीकेट पापा ये। कभी जो फर्स्ट टाइम देखता है ना वो यही बोलता है ये अपने पापा का बिल्कुल डुप्लीकेट। और सबसे बड़ी बात जब यहाँ पे लेट के मूवी देख रहा होगा, अंदर लेटा होगा, बिल्कुल पापा ऐसे पोज में लेटा होता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे बोलते हैं छोटा गौरव, बोलती है कि बिल्कुल अगर छोटा गौरव का देखना है बचपन रू तो इसको पीनू को देख लो। पापा भी तो शैतानियां बहुत करते थे। हाँ और कहती है आदतें भी सेम है, अम्मा कहती है कि गौरव छोटा देखना है पीनू को देख लो, देख ले तारीफ हो रही है। और सारांश को देख लो तो छोटी मम्मी छोटी मम्मी आ गया बेचैन मत, खाना आ गया खाना गया। वो साफ हुआ था ना ब्रश से, मैंने जब ऐसे दिया था उससे। ये क्या रास्ते में डिलीवरी वाला खाता हुआ आ रहा है क्या? कम आई है ये देखना, मेरे में भी बहुत कम आई थी। ये देखना कोकम खुला हुआ पैकेट भेजा है। नहीं नहीं ऐसे छिल गई मटर, छिल तो गई मैंने मम्मी सारी छिली, फोन देख रहा था तब से।
क्या सारा थोड़ी मटर छिलवा नहीं सकता था इसके साथ? मम्मी कसम से मैंने छीले हुए मटर। एक आपने मटर कितनी ली थी? 1 किलो ना? 1 किलो मटर उस आधी किलो छीले मैंने, कम कैसे होगा इतने? यार मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया ये, मैं तो सारी छीली थी। मम्मी यार क्या हो गया? सारांश रहने दे, तू तो झूठी बोल सकता है, इसने ही मटर छीली होंगी सारी, तू तो है ही झूठा। हम क्या किया बे? मम्मी सच में छीली थी मैंने, आप जानते हो, आप ऑडियंस भी जानते हो मुझे मटर छीलना कितना पसंद है। तू झूठा है सारा, छीले नहीं खाना मटर छीली है। अब कल ना सारी मटर तू ही छीलेगा बैठ के, ये एक भी मटर नहीं छीलेगा। जो घर का काम भी है सारा कर, जो जो 1 किलो मटर रखी है ना वो तुम छीलोगे बैठ के सारी मटर। मैंने तो छीली ना यार। तूने कुछ चेहरा फेरी तो नहीं करी है? सच बता। नहीं करी। वैसे इसकी शक्ल पे तो भरोसा हो नहीं रहा मेरे को। आपकी शेरू की कसम। वैसे उसकी नाक कटी हुई है। समझदार तू तो है ही झूठा। हमने कुछ नहीं किया यार, हमने तो करा था सब। यार जहाँ तक मुझे याद है मैंने मटर तो छीली थी। नहीं ऐसा लग रहा पिन ने एक्सचेंज कर दिया मेरे में, उठा के मटर डाल दिया। क्या भैया? भैया क्या है? मटर की छिलकों की हेरा फेरी हो सकती है मतलब? थोड़ा दिमाग लगाया करो, लगाया करो, लगाया करो, लगाया करो। शख्स है जो मम्मी से कह कह के मेरे को जान से डांट पड़वाता है। तू मेरे जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? क्यों मम्मी से डांट पड़वाता रहता बार बार? क्योंकि उसे मजा आता है। बेटा जिस दिन मैंने पढ़वाई ना तेरा फोन भी छिन जाएगा, बाहर खेलना भी बंद हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ऐसा कभी कदापि नहीं हो सकता। बताऊँ तू बाहर लड़ाई करके आता सबसे? कहाँ लड़ाई करी? तो अब बारी इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, और ब्लॉग खत्म करने से पहले एक बात बता दूं, जो आज हमने पार्टी करी हो हमारे 200 ब्लॉग के सेलिब्रेशन के लिए, थैंक यू सो मच, आप सबके सपोर्ट की वजह से ये हो पाया, आगे भी मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और उस बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, बिल्कुल दबा दो, देखते ही दबा दो। और चलो आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल सुबह नए तरह के ब्लॉग के साथ।